इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू, वैसे तो कई लोगों का कहना था कि म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उस पर कुछ कहा जाए, लिहाजा म्यांमार में तख्ता पलट होने का मतलब यानी क्या है पैगाम। पिछले कुछ सालों में आपने म्यांमार का नाम अगर सुना है तो महज रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर ही सुना होगा। शायद तारीख में जितना जुल्म जाति की इंतहा इन रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए शायद किसी पर हुई होगी, ये भी इतना ही सच है कि रोहिंग्या मुसलमानों के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। लिहाजा एक बार फिर म्यांमार सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ जमहूरियत या लोकतंत्र की जगह पर हुकुमशाही ने कब्जा किया है। जनरल मिन आंग हैंग ने तमाम इख्तियारात को अपने हाथ में लेते हुए आंग सान सूची के साथ तमाम आला महकमों को गिरफ्तार कर नजरबंद किया हुआ है। वैसे इस तख्ता पलट पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने मजम्मत की है, पर भारत ने आक्रामक राय न पेश करते हुए धीमी प्रतिक्रिया दी है। वैसे भी भारत को एक तरह से नुकसान का ही अंदेशा बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हुकुमशाही के खिलाफ एहतजाज तो किया जा रहा है, पर इसका कुछ फायदा होगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। आलमी सतह पर भी कहा जा रहा है यही आंग सान सूची थी जिसने रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई पर बेतहाशा फौजियों की तारीफ फरमाई थी और रोहिंग्या मुसलमानों के जुल्म पर खामोशी इख्तियार की थी। अब फौजी तख्ता पलट के बाद जनरल मिन आंग हैंग म्यांमार के ताकतवर इंसान बन चुके हैं। आंग सान सूची का मुख्तसर तारुफ यह है कि बर्मा के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट यह आंग सान की बेटी है। 1947 में इनके वालिद का सियासी वजह से कत्ल किया गया। इसके बाद बर्मा की सियासत में हमेशा सरगम रही, जमहूरियत की मजबूत हिमायती थी, पर इन्हें इसी के चलते तकरीबन 20 साल तक नजरबंद किया गया। बर्मा जिसे म्यांमार कहा जाने लगा 2020 के चुनाव में अक्सरियत के साथ चुनाव जीतकर आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इख्तदार पजीर हुई, पर फौज का कहना था कि चुनाव में धांधली कर जीत हासिल हो गई है। वाज़ह रहे कि 25% रिजर्वेशन फौजियों के लिए भी म्यांमार की संसद में है। तब से ही फौज में अंदरूनी सरगर्मियां जारी थी। खैर, इंसानी हकूक के लिए इन्हें मुख्तलिफ मुल्कों से भी एजाज हासिल हुए जिसमें भारत की जानिब से जवाहरलाल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हीं के दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले आम हुआ, इंसानियत के आलमबरदार के तौर पर इन्हें नोबल पुरस्कार से भी नवाजा गया। वही आंग सान सूची जिसके हाथ गरीब मासूम रोहिंग्या मुसलमानों से रंगे हुए थे दुनिया के लिए इंसानी हकूक की आलमबरदार बनी हुई है और मुसलमानों के कत्ल गारतगिरी पर खामोश इख्तियार करने वाली अब खुद म्यांमार फौज की गिरफ्त में है। कहने का मतलब जो भी शख्स हो इख्तदार हासिल होने के बाद इंसाफ से काम नहीं लेता उसके लिए कुछ अलग फैसले ही किए जाते हैं जो इंसान के बस में नहीं होते। कोई सोच भी नहीं सकता कि आंग सान सूची जिसे इंसानी हकूक के लिए दुनिया भर में सराहा गया था, लिहाजा आज म्यांमार की सड़कों पर हर जगह पर फौज नजर आती है। अहम म्यांमार के लीडरों को गिरफ्तार कर इमरजेंसी लागू की गई है। अब म्यांमार में फौजी हुकूमत इख्तदार पर है। आंग सान सूची को कई मर्तबा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती जिसमें असमत रेजी, कत्ल गारतगिरी, मासूम बच्चों का कत्ल, मुसलमानों की बस्तियां जला दी गई, गोया मुसलमानों को मारना राष्ट्रवाद बन गया था। रोहिंग्या मुसलमानों की दास्तान ये थी कि हजारों लोग बांग्लादेश की तरफ अपनी जान बचाने के लिए कश्तियों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े सैकड़ों की तादाद में महज अपनी जान बचाने के लिए जिंदगी और मौत की कश्ती पर सवार होकर जाते रहे। कभी श्रीलंका के किनारे, कभी भारत के किनारे, तो कभी बांग्लादेश के किनारे कश्तियां भटकती रही। कभी किसी कश्ती को किनारा मिल जाता तो कभी कश्ती ज्यादा सवारियों की वजह से पानी में ही पलट जाती, तो कभी कश्ती पर सवार मासूम बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन भूख प्यास से मर जाते। रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र एक बार फिर म्यांमार में फौजी तख्ता पलट होने से लिया जा रहा है। सूची ने कभी भी रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए जुल्म सितम को कबूल नहीं किया। आलमी अदालत में 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था जब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो दलील सूची ने पेश की, इसके बाद आलमी सतह पर इनकी मकबूलियत खत्म हुई क्योंकि सारी दुनिया ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी को देखा था। भारत में भी अक्सर रोहिंग्या के नाम से माहौल को आलूदा बनाने की कोशिश भाजपा की जानिब से की जाती है। इंसानी हुकूक की बातें दुनिया भर में जरूर होती है, पर मुसलमानों की बात आती है तो इंसानी आलमबरदार भी खामोशी इख्तियार करते, फिर चाहे फलस्तीन हो या रोहिंग्या मुसलमान। इस तरह का दोगला रवैया दुनिया भर में देखा जाता है। मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई इकदाम भी करता है
तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। खून खराबे के साथ अगर कोई इख्तदार पर बैठता है जिसके हाथ इसके आंग सान सूची की तरह हजारों बेगुनाहों की तरह रंगे हुए हो तो वक्ती तौर पर इख्तदार का मजा तो लूट सकता है पर बेगुनाह के खून का हिसाब तो चुकाना पड़ता है। बेगुनाहों का खून पुकारता जरूर है चाहे दुनिया हो या आखरत। इंसाफ यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। झूठ जुल्म ज्यादती हुकुमशाही मनमानी फैसले इंसानों के अख्तियार से निकल जाने लगे तो समझ लेना कि जल्द दूसरा फैसला भी आने वाला है जिसका इल्म किसी को नहीं होता। लिहाजा म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खून के छींटों का हिसाब आंग सान सूची को चुकाना तो पड़ा और हिसाब भी लिया तो उन्हीं लोगों ने जिनके इशारे पर जुल्म भी किया गया था। इसका मतलब जालिमों को होशियार रहना होगा। जो भले दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।